तो दोस्तों अपन कफेसर पहुंच चुके हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से आ गए दोस्तों नए लेके। दोस्तों बहुत दिन बाद ब्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा तबीयत वबीयत भी खराब था और थोड़ा काम में बिजी था मैं। तो आज का टॉपिक ये कुछ ये है कि अपन जा रहे हैं आज शिवपुराण जो रायपुर होने वाला है उसका कथा स्थल लिखने, और देखते हैं कितना काम वगैरह हुआ। आप लोग को ब्लॉग में दिखाऊंगा मैं, और कैसे पहुँच सकते हैं वहाँ जाने के लिए और कितना क्या रास्ता है सब आप लोग दिखाऊंगा। तो आप लोग ब्लॉग में लास्ट तक जरूर बने रहना क्योंकि ब्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो चलते हैं फिर, देखते हैं कि कहाँ पर है होने वाला कथा स्थल। तो आप लोगों को मिलता हूँ डायरेक्ट। गाइस तो कथा स्थल के पहले अपन आ रुके हैं हनुमान मंदिर में, जो कि गुरारी फेमस है। हनुमान मंदिर मारुति मंगल दो चीज़ फेमस है गुरारी में, और जस्ट पीछे हमारे पोस्टर लगा हुआ है शिव कथा का। तो देखते हैं कितना काम हुआ है कथा स्थल में, कितना पंडाल लग चुका है, आप लोगों को दिखाऊंगा मैं माहौल। और जस्ट पीछे हमारे पोस्टर लगा है और देख सकते हो, तो ये अपना पीछे हनुमान मंदिर है और सामने मारुति मंगलम। जैसे कि बाहर से आप लोग आओगे तो आप लोग आगे पूछ सकते हो कि हनुमान मंदिर मारुति मंगलम कहाँ है गुरारी में, आप लोगों को इजी पड़ेगा कथा स्थल जाने में। तो चलते कथा स्थल देखने और कितना काम आप लोगों को मैं दिखाता हूँ आप लोग। तो दोस्तों अपन कथा स्थल पहुँच चुके हैं, जिस पीछे हमारा पंडाल लगने स्टार्ट हो चुका है, और भागवत का अगले महीना 9 तारीख को स्टार्ट होगा, लेकिन काफ़ी हद तक काम हो चुका है लग रहा देख के। दोस्तों आप लोग चलते अंदर, आप लोग दिखाता हूँ कि कितना काम हुआ आप लोग को। आप लोग लास्ट ब्लॉग को लास्ट जरूर देखना। फिर करेंगे यहाँ पर, तो ये बड़ा सा एक पंडाल है देख सकते हो आप लोग, पूरा ऐसा पूरा कैप्चर हो रहा है, ये हट कैप्चर हो रहा है यहाँ पर पूरा, दिन वगैरह आ चुका है, और यहीं पर शिव महापुराण कथा होगा। दोस्तों आप लोग जो पहला ब्लॉग देखे थे भाटापारा जो कथा हुआ था, वो कथा आप लोग देख सकते हो, आप लोगों को ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, या फिर रायपुर होने वाला है अपना शिवपुराण देख सकते हैं आप लोग। लेके चलता हूँ आप लोग को, जहाँ क्रेन चल रहा है वहाँ, किस प्रकार से काम चल रहा है दिखाता हूँ आप लोग को। और शायद तक 1-2-3 डूम बने का लग रहा है पंडाल का, और काफ़ी भीड़ रहेगी लग रही है यहाँ देख के, तो लग रहा है आपको दिखाता हूँ मैं, आगे चलते वहाँ पर आपको। ट्रेन से काम चल रहा है यहाँ, वहाँ पर एक कुआँ था, शायद कुआँ को पार्टिंग का लग रहा है, और ये कुआँ का जाली है, क्रेन लगा है बड़ा बड़ा क्रेन, और ये पंडाल वगैरह लग रहा है, भाई लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आप कर रहे हैं अच्छे से, सब भाई बना है पूरा, सब काम वाम कर रहे हैं, क्रेन लगा है वहाँ पर, कुआँ कुआँ दिखाऊंगा आप सबको, और देखते हैं अभी आपको और दिखा रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों आगे में ताल बगड़ी किसी ने काम चल रहा है, भाई लोग फुल मेहनत कर रहे हैं 9 तारीख के लिए, आप लोग देख सकते हो, और ये पूरा मतलब पंडाल है, अभी पूरा ताल पकड़ी आएगा ऊपर में, धीरे धीरे लग रहे हैं भाई लोग फुल मेहनत कर रहे हैं, आप देख सकते हो आप पकड़ी खींच रहे हैं। और शॉर्ट लेता हूँ मैं यहाँ का, बाकी माहौल तो रहेगा दोस्तों जैसे कि भाटापारा में देखा था आप लोग ने, तो रायपुर में भी रहेगा। भाटापारा जो ब्लॉग नहीं देखोगे आप लोग को फ्राई बटन में मैं आपको लिंक छोड़ दूंगा, वो देख लेना। और जा समय नहीं है यहाँ, 9 तारीख को यहाँ होगा काम स्टार्ट होगा, पूरा कैप्चर कर रहा हूँ ऐसा करके, लास्ट तक की भी यहाँ पब्लिक बैठी की लग रही है, देखते हैं वहाँ चल के दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। दोस्तों तो पीछे पंडाल में कैप्चर कर चुका हूँ, और काफ़ी यहाँ चल रहा है अच्छा काम हम, और ज़्यादा समय नहीं है, 9 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा भागवत, और कथावाचक जो प्रदीप मिश्रा जी हैं सीहोर वाले वो आएंगे, और बहुत भीड़ रहेगा यहाँ रायपुर में। और कथा स्थल है दही हांडी मैदान रायपुर गुढ़ियारी, वैसे क्योंकि बाहर आओगे तो दही हांडी मैदान पूछोगे तो कई बता देंगे, यहाँ भी यहाँ गरबा भी होता है, दही हांडी भी अच्छा होता है मैदान में। पूरा पीछे पंडाल लग चुका है, और बहुत सारा पंडाल लगेगा अभी, पूरा जगह इधर पूरा पीछे आप देख सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा,
सुनने में कथा। भाटा बारा में देखे थे माहौल, आप लोग को माहौल यहाँ भी दिखाऊंगा मैं। और दोस्तों जो चैनल में जो नया है सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि भागवत इसी में आपको देखने मिलेगा। और देखते हैं और शॉर्ट लेता हूँ आप लोग के लिए मैं, मतलब व्लॉग को लास्ट जरूर देखो। भाई भाई लोग फुल मेहनत कर रहे हैं एकदम, पंडाल खींच रहे हैं भाई लोग तालबद्री। भाई कौन से गांव से आप लोग, कौन से गांव से आप लोग? सब भाई सीहोर से हैं। भाई वो सब हेलो कर दो कैमरे में। हेलो फुल मेहनत कर रहे हैं भाई लोग यहाँ तालबद्री खींचने में। और देखते भाई लोग से बात करेंगे, कृपाल फंस गई वो ऊपर में। कृपया ध्यान दे, चाकू ला के दे। अपना कथा स्थल शिव महापुराण कथा स्थल है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं काम चालू हो चुका है। लगभग 3-4 दिन में काम ख़त्म हो जाएगा पूरा। ये अपना तालपत्री है जो कि शायद ऊपर जाएगा। भाई यहाँ पानी डाल के साथ साफ कर रहे हैं पूरा। अभी तो लगभग काम बचा हुआ है, जब बनेगा तब और ब्लॉग आप लोग ले के आऊँगा मैं 2-3 दिन में, बोल रहे हैं यहाँ के लोग। ये पूरा यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यही होगा शिव महापुराण कथा। दोस्तों यहाँ का मैं शूट कर चुका हूँ पंडाल वगैरह, और काफ़ी अभी थोड़ा काम बचा है, लेकिन भाई लोग बोल रहे हैं कि 2-3 दिन में काम कंप्लीट कर चुकेंगे। और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं भाई लोग, सब MP कोई बंगाल सब बाहर से आए हैं। तो दोस्तों बहुत जल्द आप लोग को ब्लॉग में देखने मिलेगा यहाँ का वीडियो। और फिर अपन यही ब्लॉग एंड करते हैं। और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं भाई सब यहाँ, तो थोड़ा आप लोग ब्लॉग जरूर दिख, लास्ट से जरूर दिखना। और जस्ट पीछे मेरे पंडाल है, बड़ा बड़ा पंडाल लग रहा है यहाँ, कम से कम 6 या 7 डोम लगेंगे बोल रहे पंडाल के, तो देखते हैं। और हाँ याद रखना दोस्तों, 9 तारीख को यहाँ कथा स्टार्ट हो जाएगा शिव महापुराण कथा, जो कि भाटापारा में हुआ था, अब अपने रायपुर में होगा। तो दोस्तों चलो फिर ब्लॉग का यहीं अपन एंड करते हैं। तो मिलता हूँ आप लोग को दोस्तों नए ब्लॉग में, तब तक दोस्तों बाय बाय।